हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। आज सिद्धि विनायक बप्पा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए और कर से कम इतने लोग आते जाते, लेकिन मैंने देखा है कि मुझे बप्पा के सामने कम से कम 5 से 10 मिनट खड़े रहने मिला, पूजा करने में रहने मिला। और प्लस बप्पा को जो हार चढ़ा था वो हार मिला, अच्छे से पूजा की, क्योंकि मैं कुछ चढ़ाने ले नहीं गई थी, मेरी मन्नत है। तो पंडित जी ने दिया हार, नारियल, मोदक सब दिया। दशा माँ का व्रत था तो घर पर ही आके छोड़ना था। अभी दशा माँ का व्रत समझ लीजिए, ऐसे हो जाता है कि दिन भर पानी पे, चाय पे, जूस पे रहो, दूसरे दिन शाम का वेट करना पड़ता है। मतलब शाम को 7 बजे के बाद आप पारण कर सकते हो भी खाना। तो दिन भर में एक टाइम खाना खाने मिलता है, लेकिन आपको भी बताइए, एक टाइम तो आदमी कितना भी खींच के खाए खा नहीं सकता। उसके बाद वापस से पानी और जूस पे हो जाते हैं। तो अभी ये इच्छा तो मेरी पूरी हुई और बीच में मैं अपने मस्तान बाबा को मिलने गई थी, क्योंकि मैं बताई थी आपको कि मुझे चिंता हो रही थी कि बस चलो अभी घर बदली करना है, सब अच्छे से बाबा जी का आशीर्वाद लेकर। तो मैंने वहाँ पे पैर पड़ गई थी कि मेरा घर अच्छे से शिफ्ट हो जाएगा तो मैं आपके दर्शन को आऊँगी। और मेरा दशा माँ का व्रत चालू है, तो ऐसे दशा माँ के व्रत का एक नियम ऐसा होता है कि दशा माँ के व्रत में जो जो लोग दशा माँ का व्रत रखते हैं तो पूरे 10 दिन के अंदर हर कोई अपने अपने घर में बुला के लोगों को खाना खिलाते हैं, 10 औरतों को। अभी हमारे यहाँ तो दशा माँ की और व्रत रखने वाले बहुत सन हैं, लेकिन वो लोग मैं पहचानती नहीं हूँ। मैं दूसरी बात, मेरी खुद की मन्नत है कि मैं खुद का घर, जब ना हमारा खुद का घर हो जाएगा ना, मतलब जिस घर में मैंने जो घर मैंने खरीदा है उस घर में जब मैं जाऊंगी तो माँ की मूर्ति ला के अच्छे से पूजा पाठ करके 10 दिन का, तब मैं 9 सुहागनों को पूजा करूंगी। इस घर में मैंने सोचा है भाड़े के, जो भले मैं भाड़ा भले कितना भी दे दूँ, लेकिन इस भाड़े के घर में कोई पूजा नहीं होगी, ना गणपति, ना नवरात्रि, कुछ नहीं। नवरात्रि की भी जो नॉर्मल स्थापना होती है वो मूर्ति नहीं बैठेगी, अब जो बैठेगा खुद के घर में, क्योंकि जब हम ये प्रण लेंगे तभी हमारा काम होगा। तो इसी तरह से दशा माँ की इच्छा की कि हे माँ, 10 दिन व्रत रखा है तो मेरे को 10 ये मेरी इच्छा पूरी करो, सारे दुश्मनों का सर्वनाश करो। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि कल हमारा चौथा दिन है उपवास का, तो मैं कल मस्तान बाबा को मिलने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि घर में बुला के, कहते ना लोगों को, औरतों को बुला के ऐसी खाना खाने बुलाऊँ, वो सुहागन का मान रखूँ, अच्छी बात है। लेकिन मैं उससे अच्छा सोच रही हूँ कि मस्तान बाबा के यहाँ जाके, वहाँ बहुत सारे गरीब बैठे रहते हैं, उनको जाके खाना बांटना बड़ा पुण्य मिलेगा। तो कल मैं उनको वहाँ जाके खाना बांटूंगी, वहाँ पूजा करूंगी, और उसके बाद मैं अपना काम पूरा करूंगी। क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं पहले जरा अपना काम निपटा लूँ, फिर सबको देखूंगी। अब मेरे घर का काम तो चलो निपट चुका है, अब जो लोगों ने मेरे दिमाग पर असर किया था, जिन लोगों ने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की, सब अब उनका मारण क्रिया तो है। मैं मारण क्रिया डेली देख रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक बंदे के नाम पे डेली आधा घंटा पूजा करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लांछन लगने जैसा हुआ। मेरी अच्छाई पे सवाल उठा है, मेरे पे अच्छाई पे सवाल ये उठा है कि मैं माता रानी को बोली कि मेरी ये गलती कि मैं लोगों से अच्छे के साथ अच्छे से रहती हूँ, इस बात का सज़ा मिला मुझे, इस बात की सज़ा तो मैं दूंगी और बहुत गंदी तरीके से दूंगी। और ये बात तो पक्की कि ये रक्षाबंधन कुछ लोगों का बिगड़ेगा, ये रक्षाबंधन में तुम अपने भाइयों को राखी, कहते ना कोई भी भाई अपने हाथ में राखी नहीं बंधवा पाएगा। जितने लोगों ने हरकत की है ना, मारण किया तो पक्का है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि जो काम मैंने किया और अभी 10 दिन का जो अनुष्ठान चालू है, अभी गुप्त नवरात्रि में करके और अभी 10 दिन मेरी दशा माँ का व्रत चालू है, डेली मुझसे यथाशक्ति पूजा हो रही, जितने लोगों का काम मैंने चालू किया ना, एक बंदे के नाम से मैं डेली आधा घंटा पूजा करती हूँ। क्योंकि जब तक उसकी मरने की खबर नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं ना किसी से गलत बात करती हूँ, ना मुझे मेरे लिए गलत बात पसंद है, ऐसी बात है। ये सारी बातों का जो टोन मिला है ना मुझे, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, उस बात का जवाब मैं दूंगी। दूसरी बात, इसीलिए मैं कल मस्तान बाबा के पास जा रही हूँ। मैं उस दिन भी वही का जाके बोल रही थी कि आपके रहते किसी ने मुझ पर इस तरह सवाल उठाया, आप देख रहे बैठे बैठे, अब तक आपने सज़ा नहीं दी। मैं देखो उन औरतों में से नहीं हुआ कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ऐसा नहीं, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे मेरी इमेज का, मेरी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि पहली बात, मैं वैसी हूँ नहीं, मैं किसी की तरफ वैसी देखती नहीं, और अगर कोई मुझ पर ये बात करे तो मैं उसे जिंदा छोड़ती नहीं, मारना ही पॉसिबल है। आपको एक बात बताती हूँ, आपको पता है जब मेरी शादी को 20 साल के बाद मैंने जो भी डिवोर्स वोर्स लिया, लेकिन 20 साल की शादी में भले कोई इंसान कैसा भी था, लेकिन एक बात की गारंटी थी, कभी भी अगर कोई भी इंसान अगर उसको जाके मेरी बुराई करता था ना कि तुम्हारी बीवी ने ऐसा किया वैसा किया, या इसलिए विद्या देवी ने ऐसा किया, तो इंसान एक बार पलट के सिर्फ एक बात का जवाब देता था, क्यों तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ है क्या, जरूर तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ रहेगा इसीलिए, और एक ही बात बोलता था, क्यों उसके नाद में लगते हो, अच्छी बात नहीं है।
उसके सामने कुछ उल्टा बोलो ही मत, क्योंकि वो किसी को भी नहीं बख्शती है, गलत बात पे किसी को नहीं बख्शती है। ये पॉइंट होना चाहिए, ये हर परिवार में होना चाहिए कि इंसान कोई कुछ भी बोले, ऐसी बात है। जब आप अपने कान अगर खुले रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तो चलो जाने दो, लेकिन ये बात है कि जिन लोग जिसकी वजह से ये सब हुआ है उस इंसान को मैं छोड़ूंगी नहीं। दूसरी बात, मैं कल अभी मस्तान बाबा के यहाँ जा रही हूँ, प्रसाद बांटूंगी, और हमारे दीपक केदार जी, पैंथर सेना के राष्ट्रीय दीपक केदार जी का परसों जन्मदिन था, सॉरी कल 5 तारीख था, 5 तारीख को जन्मदिन था कल। तो मैं तो उनको मिलने, सच्ची बोलूँ तो अपने लड़कों को लेके मिलने जाने वाली थी, लेकिन घर की शिफ्टिंग में मैं जा नहीं पाई, उसके लिए तो सॉरी। वो कल मेरा वेट भी कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप आने वाले थे, मैं वेट कर रही थी। अब मैं कल जा रही हूँ पुणे, तो मैं उन अपने मस्तान बाबा को भी मिल के आऊँगी और उन्हें भी बर्थडे विश करके आऊँगी। हालाँकि मेरा व्रत भी चालू है तो बर्थडे विश करके आ सकते हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, जो हमारी इज्जत करते हैं, मन से मानते हैं ना, उन्हें सेंस है कि किसी कैसा बात किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को सेंस नहीं है। एक जन को यही बोलूँगी, भतीजे साहब को, कि एक बार तो तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तुम मरते मरते बचे हो, तुम्हारी गाड़ी का स्वाहा हो चुका है। उस वक्त तुमने ये गलती की थी, मेरी बात इधर उधर करना आदत था, मेरी बात ही इधर उधर करनी थी, मेरी खुद की इनोवा गाड़ी चुरवाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार तो तुम लोगों ने कमाल ही कर दिया। इस बार तो डायरेक्टली विद्या देवी पर अटैक किया, विद्या देवी के घर में झगड़ा लगाने की कोशिश की, विद्या देवी की इमेज पे आने की कोशिश की। अगर मैंने तुम्हारे घर को पूरे शमशान में नहीं बदला ना, तो मेरा नाम बदल देना। आने वाले 6 महीने में तुम लोग रोड के भिखारी हो जाओगे, क्योंकि ऐसे भी सिंह राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि और मेष राशि, इन 6 राशियों पर इतना ग्रह भारी है कि आने वाले दिसंबर तक तुम लोगों का नामो निशान मिट चुका रहेगा, कहीं पर भी तुमको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की। मैंने बोल दिया ना, एक बार जिसको इंसान को दिमाग पे मैंने रख लिया तो रख लिया, और जब तक इंसान को ऊपर नहीं पहुंचाऊंगी मैं शांत नहीं बैठूंगी, ये बात पक्की है। तो बस कल मैं अपने मस्तान बाबा को मिलने जाऊंगी। और मैंने सोचा है कि मेरे पापा है ना, मेरे पापा थे ना, जब तो मेरे पापा को ना करेले की कलौजी बहुत पसंद थी, तो मैं कल अपने मस्तान बाबा को मिलने जा रही थी। मेरी भी इच्छा है कि कल करेले की कलौजी और पूरी बना के मैं उनको अपना पापा समझ के ही खिलाऊंगी, बस मेरे मस्तान बाबा खा लें। अगर उन्होंने एक निवाला भी खा लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मेरी दशा माँ से यही कहूँगी, मैं पूरे दिल से मैंने व्रत रखा है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जाने को बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, बस एक छत जो मैंने खरीदी वो छत, वो भी मेरे लिए नहीं चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए। मैं तो भटक भवानी हूँ, कहीं भी मेरा रास्ता चल जाएगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों के सर पर एक छत करनी है और उनका एक फ्यूचर, एक तरह कहते ना, उनको एक सेट करना है। उसके बाद जितने दुश्मनों ने मेरा नाम खराब किया ना, उनको शमशान पहुँचाना है। बस इस 10 दिन का व्रत का यही फल चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बस इतनी आशा मेरी पूरी करना। जय दशा माँ।